बहन ये वासना बीबी है, बड़ी पहुंची हुई खातून, हर इतवार को मजार पे चादर चढ़ाने आती है। आप इनसे अपनी बेटी पे दम करवा लिया करें। वासना बीबी कोई आम खातून नहीं लग रही थी। अगर वो वाकई इम वाली खातून है तो वो हमारा मसला भी हल कर सकती है। समय भी आपकी चाय नजमा जी, कैसे कैसे कत्ल हुआ था उबैदा का? बहुत भयानक मौत हुई है जी, किसी ने लटकाकर फांसी दे दी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ जी। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, यकीनन ये सब उसी साए ने किया है, शायद उसी ने शफक को बचाया है। मगर क्यों? उबैदा की मौत का सुनकर तो मेरे दिल में हौल उठने लगे हैं। वो हमारे घर आती थी, इसीलिए वो भी उस भयानक साए की जद में आ गई। वरू इस घर में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अरे कैसी है मकाना बातें करती हो बेगम। उबैदा बस में कहीं जा रही थी तो उसके साथ ये हादसा पेश आ गया। उसकी मौत का हमारे घर से क्या ताल्लुक? आप इसे हादसा कहते हैं? दरख्त से लटकाकर फांसी देना एक सोचा समझा मंसूबा है जिसका ताल्लुक इसी घर से। पहले नजमा की बहन फरजाना और अब उबैदा। देखो ये बात तुमने मुझसे तो कह दी है, लेकिन किसी और से ना कहना। हमें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर इस तरह खुद पर खौफ तारी रखेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे तो वो मंजर भूल नहीं सकता जब शैला के मुंह पे तक गया था और वो आखिरी सांस ले रही थी। देखो अतीका ऐसी बातें ना करो, बस अल्लाह से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। पता यकीनन भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती थी। क्या वो एक्सीडेंट मेरी तरफ कोई इशारा है? समझ में नहीं आ रहा कि भाभी के रूप में मुझे वसीमा ही क्यों नजर आए। आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का? चेहरे पर मौत का साया देखा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। बीबी जी किस लड़की की बात कर रही हैं आप? वही लड़की जो दरगाह पर बेहोश हो गई थी। वो
जिसे आपने पानी पिलाया था? बहुत परेशान लग रही थी दोनों, माँ बेटी थी शायद। जब जिंदगी हाथ से रेत की तरह से रखने लगे तो कौन परेशान नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह जले शानू, अल्लाह अकबर। अम्मा, अम्मा जल्दी से बताओ ना, कौन सी बात बताने वाली थी? मुझे मुझे तो उसकी बेचैनी हो रही है कसम से। अरे तू क्यों इतनी बेसब्री हो रही है? अरे तुझे बताए बगैर जेल से बैठूंगी क्या मैं? लेकिन पहले तू मुझे बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मा अम्मा वो मैं ये सोच रही थी कि वो पीरनी नहीं थी अम्मा, उस दिन दरगाह पे जो हमें मिली थी। अम्मा देखो ना, उसे मिलने में कोई हर्ज तो है नहीं। वैसे भी पता नहीं उन्हें देख के मुझे तसल्ली हुई थी। लेकिन जो मैंने सोचा है ना, उसके बाद हमें किसी फकीर या बीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सोचा है तूने? मैं हमें इस सभा का किस्सा ही तमाम कर देना चाहिए, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी हो इस सभा की वजह से। नहीं 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 अम्मा, अब ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते सवाल है कितना तो बच गए थे कसम पकड़े गए ना तो नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि सभा को रास्ते से हटाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। क्योंकि राशिद ने उसको तलाक तो देनी नहीं, और अगर वो देना भी चाहेगा तो साजिद और हामिद सभा के वकील बन के खड़े हो जाएंगे, समझे? तो वो गला भी आपकी अम्मा वो लड़की से ज्यादा चला गया। मुझे डर लग रहा है। नहीं अम्मा, लारेब सिद्रा भाई का ख्याल रखना। सुनती नहीं है, जवाब ही नहीं देती है। लारेब कहाँ थी तुम? हम लोग गली में खेल रहे थे। भाई के पास कौन है? कोई भी नहीं। बहुत ही लापरवाह हो तुम दोनों बहने। सालिया को काबू नहीं कर पा रहा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा
इससे मैं इस केस को हमेशा के लिए बंद कर चुका हूं। अरे वाह, नया है, असली सोने का है। जी, ये साजिद लाए थे मेरे लिए। अरे वाह, क्या बात है। कम से कम 1-1.5 लाख का तो होगा ना अम्मा? मेरे ख्याल से। वाह, क्या कहने हैं साजिद के। मेरी माँ और बहन को एक जोड़ा तक लेके नहीं दिया कभी, हैं? और बीवी, बीवी पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं। छोड़ो अम्मा, हम इनके जोड़ों के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ। आजकल की लड़कियां जो है ना अम्मा, चौहरों को अपनी उंगलियों पे नचाना जानती हैं। क्यों अम्मा? कहाँ रह गई अम्मा, अभी तक आई नहीं? चुप करो ना, आ रही होगी, इसी वक्त दूध देती है सबा को रोज। नजमा, जरा बाहर से कपड़े तो उतार ले, सारा रंग उतर जाएगा उनका। जी जी बीबी जी। अम्मा कोई आ तो नहीं रहा ना? देखो देखो जरा। मैं कचरा फेंक रही थी, कचरा फेंक रहा अम्मा। क्या बात है, खैरियत तो है साहब जी? अतिका बीबी और शैला बीबी, कुछ हमें पता नहीं, आप चलें मेरे साथ,
क्या हुआ, क्या है, क्या? अम्मी, शैला, शैला, दरवाजा खोले, अम्मी, क्या हुआ राशिद? पता नहीं अम्मी, अम्मी, नचमाई कराओ, शैला, अम्मी, शैला, शैला अम्मी, शैला, शैला, अम्मी, शैला, नजमा जल्दी से पानी लेकर आ, शैला, उठो, ये हुआ क्या है? शैला, अम्मी, 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 शैला, अम्मी, शैला, अम्मी होश करें अम्मी। राशिद, कल मैंने एक बहुत बड़ा अमल किया है, जिसमें मुझे घंटों लग, और मुझे ऐसा क्लू मिला है जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शम्स, मुझे तुम्हारे किसी भी क्लू में और तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम राशिद? वही जो तुमने सुना। तुम्हारे इस रवैये की वजह जान सकता हूं? शम्स, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि हमारे जज्बात का मजाक उड़ाकर, हमारी जिंदगियों के साथ खेलकर तुम्हें क्या मिला? कहना क्या चाहते हो तुम राशि? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यू आर गुड फॉर नथिंग। जब यह केस तुमसे हैंडल नहीं हो सका तो तुमने मेरी सौलिया पर इल्जाम लगाया, मेरी मनोमटी तले दबी सौलिया पर इल्जाम लगाया, और जब इससे बात ना बन सकी तो तुमने इस ड्रामे को एक नया रूप दिया कि मेरी सौलिया को मेरे घर वालों ने कत्ल किया है। खुदा के अज़ाब से डरो शम्स। मैं ये सब कुछ क्यों करूं? क्या फायदा है मेरा इसमें? इसका जवाब तुम्हारे पास होगा, मेरे पास नहीं। मुझे लग रहा है तुम्हें किसी ने बहकाया है मेरे खिलाफ। शम्स, मुझे किसी ने नहीं बहकाया। तुमने जब जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। जैतून का तेल हो या धागा, जो तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। मगर ना तो तुम उस साय को रोक सके और ना ही होने वाले हाथ साथ हो। तुम्हें कई क्लूज मिले लेकिन उन क्लूज का क्या फायदा? कल मेरी माँ और बहन मरते मरते बचे हैं। सच तो ये है शम्स कि मैं तुमसे तंग आ चुका। तो अब क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यू आर सच अ लूजर। पछताओगे तुम राशि। पछताने के लिए बचा क्या है? पता यार। ठीक, साजिद, मैंने वही किया जो तो मुझे ठीक लगा, और यह फैसला मैंने एक पल में नहीं लिया, कई बार सोचा इस बारे में। भाई, आपने शम्स की कोशिश को सिर्फ एक नजरिए से देखा और फैसला ले लिया। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वो हमारी मदद बिना किसी फायदे के क्यों कर रहा है? हमारी खातिर अपनी जान जोखिम में क्यों डाल? उसने तो हमसे एक रुपया भी नहीं लिया इस काम का। क्योंकि उसे अपनी वर्थ का पता है, पता उसे अपनी वर्थ का। वो हम पे प्रैक्टिस कर रहा है, हमारे जरिए अमल सीख रहा है। अपनी जान को खतरे में डालकर, जगह जगह चोटे खाकर वो सीखेगा? क्या हो गया है भाई? और अगर ऐसी ही बात है तो उसने इतनी मुश्किल केस के लिए हामी क्यों भरी? साजिद, तुमने खुद ही इस बात से मेरी सोच पे हतमी मोहर लगा दी है, क्योंकि सीखने के अमल में ही छोटे लगती हैं। इंसान अगर बदगुमान हो जाए तो अल्फाज उसके दिल पर असर नहीं करते।
साजिद अगर तुम्हें शम्स की मदद लेनी है तो ले सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। शम्स से मिलना था सर, वो घर पे नहीं है। कहाँ गए सर? कुछ पता नहीं, वो तो सारा सामान बांध कर चले गए हैं और कह के गए हैं कि कमरों को ताले लगा दें। उनका कोई एड्रेस वगैरह? सर मालूम नहीं एड्रेस। शुक्रिया। पानी कुछ देर
What? Are you in your senses? यकीन मानो मुझे अंदाजा था कि तुम ऐसे ही कुछ कहोगी। जाहिर है कोई भी सेंसिबल इंसान यही कहेगा। Fine. शम्स कोई खातर ख्वाह बेहतरी ना ला सका, लेकिन उसके होने से एक सहारा था। उसने कई बार जान बचाई है, उसने कई क्लूज दिए हैं। ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ नहीं किया। सालिया पर इल्जाम को तुम क्लू कैसे कह सकती हो? तुमने कई बार सालिया को महसूस किया, उसे करीब से देखा है। तुम्हें शम्स की बातों से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस ने कन्विंस किया कि ये सब सालिया कर रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम शम्स का इतना साथ क्यों दे रही हो। तुमने पहले खुद कहा था कि तुम्हें शम्स की बातों पर यकीन नहीं है। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे जज्बात पर यकीन किया, उन्हीं जज्बात पर जिसकी शिद्दत से तुमने सालिया के वजूद को अपने करीब महसूस किया। अरिशा, तुम कहना कैसे आ रही? यही कि मुझे तुम पर यकीन। अगर तुमने सालिया को महसूस किया है तो यकीनन किया होगा, और शम्स ही वो इंसान है जिसने तुम्हें सालिया की रूह तक पहुंचाया। अरिशा, तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है? तुम्हारे हर लफ्ज, हर जज्बे पर यकीन। तुम खुद बताओ, तुमने सालिया को अपने करीब पाया या नहीं? अरिशा, मैंने सालिया को बहुत करीब से महसूस किया है, और एक बार नहीं, कई बार किया। तुम्हारे पास शख्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है राशि। बीबी, ये खातून आपसे मिलना चाहती है। वासला बीबी, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हम बड़ी मुश्किल में हैं। अरे खाओ ना यार, पूरा खाओ, पूरा खाओ, पूरा खाओ। क्या हो गया? ये लो। बस करे साजिद, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती। खाना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो तुम कुछ और खा नहीं रही। मैं और नहीं खा सकती, तो बस एक किलो फ्रूट खिला दिया यार। तुम अभी दवा टाइम पे ले रही? ये बताओ, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कब है? ये सवाल आपने कुछ दिन पहले भी पूछा। हाँ बस ऐसे ही। ये ऐसे कुछ नहीं होता, एक सवाल के पीछे कई सवाल आते होते हैं। आप शिद्दत से ये जानना चाहते हैं कि लड़का है या लड़की? ऐसी कोई बात नहीं। क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम शॉपिंग ब्लू कलर की करें या पिंक कलर की। हमारा सहारा। घर के अंदरूनी हिस्से में जाना है। आए ना वासला बीबी, अंदर आए, अंदर आए, घर के अंदर आए ना।
तुम लोग यहीं रहो, मुझे अकेले अंदर जाना होगा।